अब आपको विश्व हिंदू परिषद की राजनीति समझाते हैं। विश्व हिंदू परिषद इस वक्त दो धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का गुट है, तो दूसरी तरफ आरएसएस और पीएम मोदी के लिए काम करने वाला गुट। कहा जा रहा है कि मोदी गुट ने तोगड़िया गुट का पत्ता साफ करने की तैयारी कर ली है। उड़ीसा में तोगड़िया के दबदबे को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। परिषद के इतिहास में पहली बार चुनाव की जरूरत पड़ी, लेकिन प्रवीण तोगड़िया की एक रणनीति ने मोदी और आरएसएस गुट को खाली हाथ कर दिया। मोदी करेंगे तोगड़िया को पस्त, या तोगड़िया की चाल से बीजेपी खाएगी शिकस्त। इस वक्त मोदी और प्रवीण तोगड़िया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। बातें बेशक हैरान करने वाली हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चुनिंदा नायकों में खुद को गिनने वाले प्रवीण तोगड़िया इन दिनों अपने ही संगठन में नापसंद किए जाने लगे। बीएचपी का एक बड़ा धड़ा तोगड़िया के खिलाफ खड़ा है। सूत्र बताते हैं कि धड़ा पीएम मोदी को पसंद करता है और मोदी तोगड़िया को नापसंद। तोगड़िया की ख्वाहिश बीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है, लेकिन उनके राह में सबसे बड़ी चुनौती है पीएम मोदी। उड़ीसा में होना था बीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, पहली बार हो रहा था बीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। इससे पहले परिषद में नहीं थी चुनाव की परंपरा। चुनाव में तोगड़िया गुट की राह थी मुश्किल। आरएसएस और मोदी दोनों हैं प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ। विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित था। अब तक अशोक सिंघल के रहते हुए या तो वो अध्यक्ष बनते थे या उनके द्वारा मनोनीत शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता था। सूत्र बताते हैं कि चुनाव कराने की जरूरत की वजह प्रवीण तोगड़िया गुट से आरएसएस और पीएम मोदी की नाराजगी है, इसलिए चुनाव कराने का फैसला वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव रेड्डी और प्रवीण तोगड़िया को हटाने के लिए ही किया गया। पर सवाल उठता है कि मोदी और आरएसएस को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रवीण तोगड़िया नहीं तो उनकी जगह कौन पसंद था। सूत्र बताते हैं कि संघ और मोदी दोनों की लिस्ट में सुरेंद्र जैन का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन सुरेंद्र जैन ने संगठन में किसी भी तरह के मतभेद से साफ इनकार किया है। अध्यक्ष का होता है वही अपनी टीम को नियुक्त करता है जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। ये ठीक है, चुनाव नहीं हो पाया, कंसेंसस नहीं था, लेकिन उसके कारण से कोई मतभेद निर्माण हो गए, कोई मनभेद निर्माण हो गए, ऐसा नहीं है। पहले की टीम पहले की तरह से काम कर रही है। पूरा विश्व हिंदू परिषद एकजुट होकर उनके साथ काम कर रहा है। भले ही परिषद के लोग मतभेद से इनकार करें, पर यह भी सच है कि प्रवीण तोगड़िया की रणनीति की वजह से मोदी और आरएसएस का सपना कुछ दिनों के लिए सही पर टूट गया। भुवनेश्वर में होने वाली बैठक में चुनाव टल गया। इस बैठक में तोगड़िया गुट हावी हो गया, लिहाजा दूसरे गुट को पांव पीछे खींचने पड़े। जैसे आपने सुना है ऐसे मैंने भी सुना तो है, लेकिन वहां न मोदी जी का नाम आया न किसी का नाम आया। तो कुछ हमारे मित्रों को न्यूज बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए और वो उसमें से ये मसाला ढूंढते हैं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के साथ पूरा संगठन रहता ही है। विश्व हिंदू परिषद सार्वभौमिक संगठन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसलिए संप्रभुता पर कोई भी बाह्य शक्ति हमारा कहीं भी कोई प्रभाव नहीं डालती है। हालांकि प्रवीण तोगड़िया गुट चुनाव टलने को अपनी रणनीतिक जीत मान रहा है, पर बड़ा सवाल तो अब खड़ा हो रहा है कि इसके टलने के बाद अब अगले 3 सालों तक क्या तोगड़िया गुट का ही विश्व हिंदू परिषद पर कब्जा रहेगा, या आने वाले दिनों में तोगड़िया गुट के कमजोर होते ही चुनाव हो जाएंगे। 3 साल का एक्सटेंड नहीं हुआ है, चुनाव स्थगित किए गए हैं, निर्धारित समय पर कभी भी होंगे और वो हमारे चुनाव अधिकारी देखेंगे। कहते भी हैं संघ और विश्व हिंदू परिषद की महीन राजनीति को समझना सबके बूते की बात नहीं। ये पहली बार है जब बीएचपी के चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी भी इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवीण तोगड़िया को पसंद नहीं करते हैं, यह बात जग जाहिर है। शायद यही वजह रही कि विश्व हिंदू परिषद की कमान प्रवीण तोगड़िया के हाथों से छीनने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन
भुवनेश्वर की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि विश्व हिंदू परिषद में तोगड़िया का जलवा बरकरार है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर विश्व हिंदू परिषद की वजह से मोदी सरकार के सामने नई परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो जाए तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन केसर के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।